ये एक माइल्ड ऑटिस्टिक चाइल्ड है, इसकी उम्र 4 साल है। ये झूला पे चढ़ने से डरता था। एक सप्ताह पहले का ये वीडियो है। सैटरडे हम लोग ग्रुप थेरेपी सेशन चलाते हैं और उसी ग्रुप थेरेपी सेशन में इसको झूले पे बैठाया गया, इसको झुलाया गया, तो ये उस दिन रो रहा है। वीडियो में आप इसकी आवाज़ क्लियरली सुन सकते हैं। अब चूँकि झूले से इसको डर लगता है, ये इसकी समस्या है, तो रिपीटिटिवली इसको झुलाएंगे, वही इसका सॉल्यूशन है। और एक सप्ताह बाद आज का वीडियो आगे आप देखेंगे, इसमें ये बच्चा खुशी खुशी झूल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचपन में अक्सर सबने सुना होगा कि सवाल जो एग्ज़ाम में आते थे उसको अच्छे से पढ़ा जाए तो उसका जवाब भी वहीं छुपा होता है। सेम वही चीज़ यहाँ अप्लाई होता है कि आप डिजीज के लक्षण को समझें, सॉल्यूशन भी वहीं पे छुपा हुआ है। जो बच्चे हाइट से डरते हैं उनको बार बार ऊंचा ले जाके वहाँ से जंप कराना होता है ताकि उनका डर ख़त्म हो। बहुत सारे बच्चे बैलेंसिंग बोर्ड पे गिरने के डर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, स्टीमिंग का बिहेवियर उनमें दिखता है। रिपीटिटिवली रेगुलरली उनको बैलेंसिंग बोर्ड एक्टिविटी कराएंगे, वेस्टिबुलर बोर्ड खड़ा करेंगे, उसके साथ साथ एक हैवी मेडिसिन बॉल दे दिया जाता है ताकि वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन दोनों डेवलप हो और बच्चों का न्यूरो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है 1-2 महीने के सेशन में। बच्चे हाई पिच साउंड से डरते हैं तो उनके लिए ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया जाता है, कान के पास उनको वो आवाज़ सुनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी स्टीमिंग जो है ऑडिटरी स्टीमिंग वो कम होती है और धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं, तो उसके बाद ज़्यादा साउंड से वो डरते नहीं हैं। जो बच्चे प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं करते हैं उनको आई कांटेक्ट का रिपीटिटिव एक्टिविटी कराते रहने से, रिवाइज कराते रहने से उनका आई कांटेक्ट भी सुधर जाता है। ये वही बच्चा है, इसकी सेंसिटिविटी बॉडी में इतनी ज़्यादा है कि कहीं पर भी टच करने पर ये हंसना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है, जैसे सेंसरी ब्रश यूज किया जा रहा है और ये लगातार हंसे जा रहा है। तो इसको छोड़ नहीं देना है, सेंसरी ब्रश कंटिन्यू इस पर जब चलेगा तो वो ओवर सेंसिटिविटी जो है वो कम होगी, उसके बाद ये बच्चा स्थिर बैठना शुरू करेगा। मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ कि सेंसरी ब्रश छोटा सा ब्रश है, ये समझ के आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे क्या होगा। ये सेंसरी इंटीग्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, ये मैंने एक वीडियो में बताया है, तो इस बात को आप मार्क कीजिए। और सेंसरी ब्रशिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑटिज्म के बच्चे में, या फिर हाइपर एक्टिव केस है ADHD का, उसमें भी काफ़ी इफेक्टिव होता है सेंसरी ब्रश। कुछ कुछ बच्चों का नेचर होता है कि उनका अगर आप गाल छू लेंगे या फिर बॉडी में कहीं भी टच कर देंगे तो वो तुरंत उसको पोछेंगे हाथ से या फिर किसी कपड़े से, वो भी ओवर सेंसिटिविटी है और वो भी सेंसरी ब्रश के प्रॉपर यूज रेगुलर यूज में रखने से वो चला जाता है और बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है बच्चों में।